मनरेगा घोटाला में मनी लॉन्ड्रिंग केस की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने हाई कोर्ट से जमानत लेने के लिए झूठ का भी सहारा लेने का प्रयास किया, लेकिन ईडी के अधिकारियों की सतर्कता के कारण उनका झूठ पकड़ा गया और कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। झारखंड हाई कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत पर जो आदेश पारित किया है उसमें इस बात का जिक्र है कि पूजा सिंघल ने रिम्स से फर्जी मेडिकल रिपोर्ट लेने की भी कोशिश की थी। साथ ही अदालत को इस बात का भी अंदेशा है कि पूजा सिंघल अपने प्रभाव से इस केस से जुड़े गवाहों और साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है, इसलिए उन्हें फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की समस्या के बाद निलंबित आईएएस पूजा सिंघल रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के जोड़ी डॉ प्रकाश कुमार की देखरेख में इलाजरत है। 27 सितंबर को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से रिम्स लाया गया था। रिम्स के पेइंग वार्ड के कमरा नंबर 11 में सिंघल एडमिट है। पूजा सिंघल को माइग्रेन की समस्या भी है, ऐसे में न्यूरोलॉजी विभाग के डॉ सुरेंद्र प्रसाद भी उनका इलाज कर रहे हैं। वहीं रिम्स के ऑर्थोपेडिक विभाग के डॉक्टर के भी देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। दांत दर्द की शिकायत के बाद उन्हें डेंटल विभाग ले जाया गया था। पेइंग वार्ड से पैदल ही उन्हें डेंटल विभाग दांतों के इलाज के लिए ले जाया गया था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।